कर रही हो श्रेया? चाची आई हुई है, सब लोग साथ में नीचे हैं, और तुम यहाँ पर अपने दोस्त के साथ कप्पे लड़ा रही हो। श्रेया तुम नई बहू हो। भूषण वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, बहुत सालों बाद हम मिले। I understand that, लेकिन आज क्यों बुलाया तुमने? I know तुमने कहा था, लेकिन अब भी बुलाने वाली थी, मुझे नहीं पता था। वो तो मैंने मम्मी जी से परमिशन ली थी। ओके सब छोड़ो, तैयार हो जाओ, नीचे आ जाओ, चाची वेट कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि चाची को मेरी श्रेया पहले इंप्रेशन में पसंद आ जाए, बिकॉज़ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके ओके दो मिनट में आए। चलो देन, आई विल टेक अ लीव। अरे क्यों, अभी मैं चाची से मिलके दो मिनट में आ जाऊंगी, उसके बाद हमारी फिल्म का भी प्लान था ना। इट्स ओके श्रेया, आई अंडरस्टैंड, अगली बार हम कहीं बाहर मिल लेंगे। ओके जी मैम, रियली सॉरी इतने सालों बाद हम मिले। और मैंने कहा था ना कि जॉइंट फैमिली बड़ी टेढ़ी खीर होती है। डोंट वरी, तू धीरे धीरे इन सबके साथ डील करना सीख जाएगी। और कमो चाची ने भी मुझे नींद में से पकड़ के रखा था, भूत 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 चिल्ला रही थी। आप, मैं तो बच्चा था तो मैं तो डरा हुआ लेटा हुआ था वहां पर, पर किसे पता था कि वो पापा ही थे जो गैस से परेशान पूरे घर में चक्कर लगा रहे थे। श्रेया तुमने मुझे कहा था ना कि भूषण की लाइफ में तुम ही फर्स्ट प्रायोरिटी हो। सॉरी बॉस, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। पति की लाइफ में हमेशा फैमिली ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसकी बीवी नहीं। अब कहने के लिए तो कह देगी कि ये जॉइंट फैमिली बहुत अलग है। कुछ किया हो ना किया, दोस्ती तो की है ना। सबका मॉडर्न माइंडसेट है, बस ऐसी सच्ची दोस्त बन के रहना। दोस्त जैसे एक साथ रहते हैं सुख में दुख में, ऐसे ही रहते। पर ये सब बोलने की बातें होती है। अब तू एल्बम में देखेगी कि वाओ पूरी जॉइंट फैमिली साथ में खड़ी है मुस्कुराते हुए, इतनी अच्छी लग रही है। पर फिर उसके बाद क्या, हर दिन एक पहाड़ बन जाता है। एनीवेज ये सिर्फ मेरा ख्याल है, मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। एक दो दिन में मिलती हूँ। श्योर। पति की लाइफ में हमेशा फैमिली ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसकी बीवी नहीं। उसकी बीवी नहीं। अब शादी की एल्बम में देखेगी तो सब अच्छा लगेगा, पूरी जॉइंट फैमिली साथ में खड़ी है, मुस्कुरा रही है। बट उसके बाद हर एक दिन पहाड़ बन जाता है। यार मैं कमीना हूँ, साला दोस्त के नाम पे धब्बा हूँ। यार मेरी वजह से तेरा ये हाल हुआ है, पहले पता था बात इतनी सीरियस हो जाएगी तो। अजय दो साल तक मैंने उसकी फैमिली को हमारे अफेयर की हवा तक नहीं लगने दी। सोचा था जब जॉब लग जाएगी तो संजना के डैड से हक से उसका हाथ मांगूंगा। एक तो मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, ऊपर से तू जानता है वो कितने स्ट्रिक्ट है, कंजर्वेटिव है। अजय जॉब के बाद सब सॉर्टेड था, वो भी संजना को एक्सेप्ट करते, पर तुझे भी कुछ कह के क्या फायदा। चिड़िया चुग गई खेत तो छोड़ यार। एक सेकेंड, किसने कहा तेरी फैमिली यहाँ नहीं है? मैं हूँ तेरी फैमिली। मैं संजना के घर जाकर उसके डैडी से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा, सॉरी कहूंगा, बट तेरे प्यार की हार होने नहीं दूंगा मैं। तो क्या बोल रहा है, वो संजना के डैड बहुत टेढ़ी खीर। उनसे टेढ़ा मैं? अपने दोस्त के लिए ना बड़े से बड़ा पंगा ले लूंगा मैं, ठीक है? तुम यार अभी तक तैयार नहीं हो? जैसी हो अब अच्छी लग रही हो, चलो ऐसे ही चलो नीचे। चाची घर की है, बेचारी कब से वेट कर रही तुम्हारे लिए। कम ऑन चलो, कम ऑन कम ऑन, चल जल्दी जल्दी कम ऑन। मुझे तो अमर की शादी याद है, उसमें माता की चौकी में वो
कानपुर वाले चाचा जी ने जो धार लगा के चौकी में गाया था, ऐसे लग रहा था जैसे जंगल से सारे शेर भाग जाएंगे भाई। ओह उनके खर्राटे तौबा, पूरी हवेली जाग जाए। चाची ये श्रेय। अरे वाह बहुत बड़ी सुंदर है। चाची जितना प्यार आप मुझसे करती हैं उतना ही प्यार से करना होगा। नो पार्शियलिटी। ठीक है नो पार्शियलिटी। कुछ रहो चाची। नाक भी नाक भी। अरे जोर से खींचो। क्यों चौक क्यों गई बहू? तेरे पति ने ही तो कहा था पार्शियलिटी मत करना, उतना ही प्यार करना, वही मैंने कर दिया। घबराओ मत चाची, का प्यार करने का तरीका ऐसा ही है। यू नो अगर मैं सो भी रहा हूँगा ना तब भी आके गुदगुदी करके जाएंगी। और चाची आपको याद है बचपन में आप भूषण बेगो कैसे छिपकली के साथ ड्राया करती थी? रबड़ वाली ना। चलो भाई अब हंसी मजाक बहुत हो गया। चाची अब जाके थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए, मैंने डॉक्टर के साथ आपके अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी। अमर कल पूरे दिन तुम चाची के साथ रहोगे ओके? पापा नहीं नहीं रहने दो ना भैया को दुकान में, चाची को मैं बाहर ले जाऊंगा। वैसे भी कल चाची और मेरी डेट है राम बाबू पराठा भंडार में। ए भगवान, अरे शादी के बाद कम से कम थोड़ा सा जोरू का गुलाम तो बन जा। बीवी का पल्ला कब पकड़ेगा तू नलेक? हमारी बहू ऐसी थोड़ी ना कि अपने पति को पल्लू से बांध के रखे, बिल्कुल नहीं। अरे जो अपने होते हैं ना वो छोड़ के जाते भी नहीं। क्यों बहू? अरे उत्पल वो पीछे से मेरा बैग तो लेकर आ, मैं बहू के लिए कुछ लेकर आई हूँ, वो मैं दूं उसे। देख बेटा मैंने तेरी शक्ल तो देखी नहीं थी इसलिए कपड़े लत्ते लाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ तेरे लिए। ये देख ये एक बेड कवर है और इसके अंदर पिलो कवर भी है। थैंक यू चाची, अच्छा है। पर चाची मेरे रूम के डेकोर के साथ ये नहीं मैच करेगा। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इसे यूज नहीं करूँगी और रखे रखे खराब हो जाएगा। इससे बेटर अगर आप इसे एक्सचेंज करवा लेंगी तो इसके बदले में आप कुछ और ले सकती है। चाची आप यहाँ आई, भूषण और मुझे आशीर्वाद दिया, यही बहुत है, गिफ्ट की क्या जरूरत है? अच्छा वाओ ये कितनी अमेजिंग चादर है ना माँ, ऐसा लग रहा है येलो येलो मस्टर्ड फील, और इसका कलर तो मेरे रूम के डेकोर से भी मिलता है। लाओ 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 ये तो मैं लूंगी। वाओ आपकी चॉइस एक नंबर है। अरे मेरी फ्रेंड बुक बहू, हलवा कब आएगा या हम उसकी खुशबू का यूं ही मजा लेते रहेंगे? अरे लाओ चाची को, आए भी बहुत टाइम हो गया। अभी लेकर आए। अच्छा दीदी ये तो बताओ बाकी सबसे तो मिल लिया मैंने, अपना वो हीरो किधर है? अजय। अरे हीरो अजय कहाँ है भाई? दादी वो अज्जू के साथ होगा कहीं घूम रहा होगा। अजय अज्जू का प्रॉमिस पूरा करना है आज, भाग बेटा। ताला ताला मार कर कहाँ चले गए? और दो ही दिन से हमारी जान खा रखी थी, दोपहर तक कपड़े दे जाना दोपहर तक कपड़े दे जाना, और अब खुद ही गायब हो गए इस संजना दीदी बिना। अब जाना पड़ेगा उनकी बड़ी बहन के घर, बहुत दौड़ाती है। अरे सुनिए ना मैं अग्रवाल अंकल के यहाँ पे आया था, वो संजना के डैड है ना, तो क्या होगा हम क्या करें? अरे कुछ करिए मत, उनकी बड़ी बेटी का नंबर है आपके पास तो दे दीजिए। वाह बाबू वाह, खुद ही कह रहे हो कि वो तुम्हारे अंकल हैं, तो तुम्हारे अंकल का तुम्हारे मोबाइल में नंबर नहीं है, अब फोन लगाइए। अरे नंबर है लेकिन लैंडलाइन का है मोबाइल का नहीं। देखिए ना अभी
गेट भी बंद है। ना भैया ना, साहब का नंबर दे के हमको हमारे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं माननी है। हाँ हाँ, उनकी बड़ी दीदी है ना, वो बड़े बाजार में आर्मी कॉलोनी के बंगलो नंबर 3 में रहती है। और सुना, इंसानियत में पता बता रहे हैं, और हमारा नाम लेकर किसी को कि पता किसने बताया, हमारे पेट पे लात मत मरवा देना, बोल देते हैं। नहीं दादा, बिल्कुल नहीं। हाँ कुछ भी कहो, तुम लोग पेट अब बहुत बढ़िया बनाते हो। हाँ तुम्हें कैसे? अच्छा भैया, श्रिया ने सही नहीं किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाची बड़ी है, बीमार है बेचारी, इतनी दूर से आई है, सोचो कितना बुरा लगा होगा उनको। ओहो इट्स ओके विनीति, उसे पसंद नहीं आया उसे ना कह दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम बस शांत रहो, चुप हो जाओ। ओके अमर, मैं चुप ही हूँ, और सुबह भी मैं चुप ही थी जब उसने मामी जी से अपने प्राइवेसी की डिमांड की थी, और मामी जी ने मुझे उसके कमरे में जाने से मना कर दिया था। ओहो विनीति, आपको पता है अमर, याद है आपको जब मेरी फ्रेंड आई थी मनीषा, इस घर में पहली बार, सबसे बातें की थी उसने, घर के हर एक मेंबर से मैंने उसे मिलाया था, मैं किचन में खड़ी थी अमर, वो मेरे सामने से गुजर गई, उसने अपनी फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया। विनीति समझने की कोशिश करो तुम, श्रेया इस घर में नहीं है, उसे थोड़ा टाइम तो दो सेटल होने के लिए। कैसे समझाऊं मैं अपनी प्यारी बीवी को? सुनो छोड़ो इसे, देखो जब पेठा बनता है ना तो वो मीठा नहीं होता है, उसे चाशनी में डुबोए रखने से वो मीठा बन जाता है। श्रेया इस घर में नहीं है, है ना, तो वो हम सबके साथ रहते रहते धीरे धीरे मेरी तरह तुम्हारी तरह हो जाएगी। एंड बाय द वे तुम्हें याद है शुरू शुरू में तुम्हें भी एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा था, याद है? तो फिर मैं तो अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रही थी, अब शेयर कर दिया ना, अब मैं सब भूल जाऊं। That's like my wife. Thank you. अब मेरा love you वाला हग? अरे हाँ, हमारा love you हग. Thank you विनीति, सब कुछ समझने के लिए. Thank you. हमारी दादी के बाल कितने सुंदर है ना चाची। सुन ले ये भी सुन ले। अरे अवनी तू ना थोड़ा सा खाना ज्यादा खाया कर बेटा। जी मैं इतना तो खाती हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो फिर जोर लगाना, दम नहीं है क्या तेरे में? लगा तो रही हूँ। अरे चाची दम है इसमें, वो बेचारी ना डर रही है कि ज्यादा तेज दबा दिया तो आपको लग जाएगी। उस वजह से डर रही है या इस वजह से डर रही है कि उसके सुंदर से हाथों में कहीं मोच ना आ जाए? अच्छा सुंदर से याद आया मुझे, दीदी भूषण की बीवी बड़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर है वो, ये तो बात मैंने पहले ही कह दी थी आपसे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद स्वभाव में थोड़ी तेज निकलेगी। मेरे कहने का मतलब है, अब जैसे बिनती है, इलायची है, उन दोनों को देखकर ऐसे लगता है जैसे वो बनी ही इस घर के लिए, इस परिवार के लिए बनी है वो। मुझे पता था तू ये बात जरूर करेगी। अरे उन दोनों को तू जो भी देती है वो चुपचाप ले लेती है, और अगर श्रेया ने मना कर दिया, उसे तुम्हारा गिफ्ट पसंद नहीं आया, उसे बुरा मानने की क्या बात है? अब इतनी छोटी सी बात को तो इतना बढ़ाएगी? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़ ना, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, अब जाके अपने घुटने चेकअप करा, MRI करवा। चलो तो जाता नहीं, बातें उड़ा रही है। अब तो हमारा सारा बिजनेस हमारा बेटा ही संभाल रहा है। भाई साहब ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप मेरे दामाद और बेटी के घर ही आ गए। आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता, इन दोनों की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, और आज के दिन पे आप संजना को भी देखने आ गए। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा तुम दोनों को। धन्यवाद। थैंक यू। भाई हमने सोचा इसी बहाने हम लड़की से भी मिल लेंगे। अरे आप लोग नाश्ता ले लीजिए ना, ये समोसे खास संजना ने बनाया आपके लिए, ये लीजिए कचोरिया।
कौन हो तुम? हाँ यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे भाई गूंगे हो क्या? बोलो तो सही कुछ। अरे नंदू। हाँ साहब जी। भाई थोड़ी और मिठाई लाओ। लाता हूँ साहब। कल शाम 5 बजे राम मंदिर पे अज्जू मिलेगा। भूषण ये देखो जीना मेरे लिए लेकर आई है। डिजाइनर है, बहुत स्मार्ट है ना। आई रियली लाइक इट। और तुम्हारे लिए भी शर्ट लाई है। ये देखो मुझे तो बहुत स्मार्ट लगा। चलो देखते हैं। इधर आओ इधर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाओ कितने स्मार्ट लग रहे हो और इसके कट्स भी कितने अच्छे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्या हुआ भूषण? तो तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? होगा पर मुझे पसंद नहीं है। और क्यों आए? जब तुम्हें मेरे फैमिली की दी हुई चीजें पसंद नहीं आती तो मुझे क्यों? गॉड सीरियसली शरा तुम अपने गिफ्ट्स में ये अपनी पसंद डिजाइनर लेबल्स कट्स वट्स ये सब देखती हो ना? और जो गिफ्ट्स देता है तुम उसे बता भी देती हो ना? तो इसमें बुराई क्या है भूषण? अगर मुझे कोई चीज पसंद ना आए उसे वापस लौटा देने में ही अच्छा है ना। एटलीस्ट वो चीज वेस्ट तो नहीं होगी। बात हमेशा तुम्हारे पसंद की या नापसंद की नहीं होती है, कभी कभी प्यार और इज्जत के बारे में भी होता है। चाची कितने प्यार से तुम्हारे लिए वो बेड कवर्स लेकर आई थी लेकिन तुमने एक सेकंड नहीं लगाया वापस करने में। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि चाची को कितना बुरा लगेगा। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना कि छोड़ो यार श्रेया, इस सिर्फ चाची के गिफ्ट के बारे में नहीं है। यहाँ मेरी फैमिली में मेरे घर में हम दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं और फिर अपने बारे में सोचते हैं। मॉम को देखो, विंती भाभी को देखो, सीखो उनसे हाउ टू थिंक अबाउट अदर्स फर्स्ट एंड देन अबाउट योरसेल्फ। पति की लाइफ में हमेशा फैमिली ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसकी बीवी नहीं। मैंने कहा था ना कि जॉइंट फैमिली बड़ी टेढ़ी खीर होती है। सॉरी बोल दूंगी। सिर्फ सॉरी से कुछ नहीं होगा श्रेया। माफी मांगने के साथ साथ तुम्हें वो बेड कवर भी वापस लेना होगा। अच्छा मतलब श्रेया जॉइंट फैमिली में से नहीं है? अरे नहीं, वो ना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। अच्छा। पर देख लो पेठे वाला से जम्बो परिवार में शादी हुई है उसकी। हमारी श्रेया को तो मानना पड़ेगा क्योंकि आओ श्रेया भाभी। क्या हुआ बेटा? अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो I'm really sorry। हो सके तो मुझे माफ कर देना।